45 देखते हैं, क्या कि इफ एक्स इक्वल टू में है ए इंटू में कॉस टी प्लस का टी साइन टी, एंड वाई इक्वल टू में है ए इंटू में साइन टी माइनस का टी कॉस टी। हमें ये डी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई बाई फोर पे निकालना है, इसलिए पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, तो ए यहाँ पर देखिए कॉस का यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, और यू इंटू बी पे टी का वन इंटू में साइन टी, और प्लस का टी वैसे रखे कॉस टी हो जाएगा साइन का, ठीक है। ये दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे डी एक्स बाई में डी टी जो आ जाएगा आपका ए टी कॉस टी इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू में अंदर देखिए कॉस टी माइनस टी का यहाँ वन और कॉस टी वैसे ही प्लस देकर यहाँ पर टी को वैसे ही रख के, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ माइनस रहने देते हैं साइन टी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ए ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस कॉस टी, और यहाँ प्लस का टी साइन टी, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी क्या आ गया यहाँ पर ए टी साइन टी इक्वेशन सेकेंड लेवल। तब इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी टी और बाई में यहाँ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा आपका ए टी साइन टी और बाई में ए टी कॉस टी, या ए टी कट जाएगा, डी टी से डी टी हटा देंगे, तो यहाँ फाइनली आपका जो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा टेन टी, टेन टी। अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डेरिवेटिव होगा टेन का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और टी का भी तो करना होगा ना एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी टी बाई डी एक्स। अब ऊपर जो था आपका डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या आया है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आया है ए टी कॉस टी, ठीक है, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू में ए, यहाँ पे इसका वैल्यू इसको पलटेंगे तो आएगा वन बाई ए टी कॉस टी। अब इसके बाद देखिए कॉस ऊपर जाएगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा ना जी, चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर सेक क्यूब टी और बाई में ए टी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमें देखना है एट एट टी इक्वल टू कितना पे देखना था जी, तो ये टी इक्वल टू हमें देखना था कितना पर, पाई बाई फोर पे था, देख लेते हैं एक बार, पाई बाई फोर पर था, चलिए देख लेते हैं पाई बाई फोर पर, तो डी स्क्वायर एक्स बाई में डी एक्स स्क्वायर कितना टी इक्वल टू पाई बाई फोर पर, वह हो जाएगा सेक क्यूब पाई बाई फोर और यहाँ पर ए पाई बाई फोर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसका वैल्यू होता है रूट टू का क्यूब है और बाई में ए पाई बाई फोर, चलिए उसको टू रूट टू लिख सकते हैं और बाई में ए पाई बाई फोर, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा आपका एट रूट टू, एट रूट टू और यहाँ पे नीचे पाई है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, देख सकते हैं।